सबके बीच पुतिन के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को जंग जीतने के लिए एक ऐसा हथियार दिया है जो जंग में रूस की सेना के पांव उखाड़ सकता है। यूक्रेन जंग के दौरान पिछले कुछ वक्त से रूस के लिए, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के लिए, बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं, और इस कड़ी में उनके लिए एक और बुरी खबर का इजाफा हो गया है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जंग जीतने के लिए एक ऐसा हथियार दिया है जो जंग में रूस की सेना के पांव उखाड़ सकता है। ये है अमेरिका और नॉर्वे का बनाया गया निसम्स एयर डिफेंस सिस्टम, जो पुतिन के हवाई हमलों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। निसम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो ड्रोन से लेकर फाइटर जेट और पुतिन की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों को भी टारगेट करेगा। Особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми дійсно можемо зробити так, щоб російський ракетний терор буде подоланий. NASAMS Air Defense System की ज़ेलेंस्की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि ये हथियार क्या कर सकता है, क्योंकि रूस के एयरफोर्स के कमांडर्स NASAMS को लेकर बेहद चौकन्ना हो गए हैं। अमेरिका और नॉर्वे का जॉइंट प्रोजेक्ट NASAMS मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 30 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को आराम से खत्म कर सकता है। अब देखिए रूस के वो कौन से जहाज हैं जिनके लिए NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम यमराज साबित होगा। ये है रूस का सुखोई 25 बॉम्बर, जो एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। ये नीचे उड़ते हुए यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी करता है, और इसी की वजह से ज़ेलेंस्की की फौज कई फ्रंट हार चुकी है। ऐसे ही विमानों को अब यूक्रेन में बहुत संभल कर उड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्वे और अमेरिका के बनाए गए NASAMS सिस्टम की मिसाइल का आसान निशाना बन सकते हैं। NASAMS में अमेरिका की AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल होती है, जो इसके एयर टू एयर वर्जन की जगह जमीन से आसमान में करने वाला वर्जन होता है। ये एक पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक महत्वपूर्ण जगह या ठिकानों को हवाई हमले से बचाने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इस सिस्टम को जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन तमाम खासियत के साथ ज़ेलेंस्की को जो बात हिम्मत देती है, वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी गारंटी कही जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बड़ी ताकत देगा। अभी NASAMS से 12 देश लैस हैं। सिर्फ यूरोप में ये सिस्टम लिथुआनिया के पास है, पोलैंड के पास है, स्पेन और हॉलैंड के पास है, हंगरी के पास भी, फिनलैंड भी इसे ऑपरेट करता है, एस्टोनिया भी इसे खरीदने की सोच रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम देने के अलावा अमेरिका ने रूस को एक चेतावनी भी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि रूस ने अगर इस जंग के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उनसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन घर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ कई मोर्चों पर घिरने लगे हैं, और ऐसे हालात में अगर उनके खिलाफ रूस में बगावत भड़क गई, तो उन्हें एक साथ दो मोर्चे संभालने मुश्किल हो जाएंगे।